फ्रेंड्स, दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का न्यू टॉपिक, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम। वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को डिस्कस करने जा रही हूँ, इस टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे जो टॉपिक का नेम था वो क्या था, शब्दों का तार्किक क्रम। आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, वर्ड्स दिए जाएंगे और उनका एक सीक्वेंस, लॉजिक लगाकर उनका एक सीक्वेंस आपको बनाना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको पांच शब्द दिए गए हैं, फाइव वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला क्या है, सोना। सेकेंड है आभूषण, अयस्क, खदान, प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, लाइक माइंड में क्या क्लिक कर रहा है कि एक खदान है, मींस टू से खान है, जिसमें से कुछ अयस्क निकलते हैं, एक प्रोसेस होती है, फिर आपको सोना मिलता है, क्योंकि सोना तो डायरेक्ट गोल्ड तो आपको मिलता नहीं है। ठीक है, फिर वो मिलता है और उससे हम क्या बना लेते हैं, अपनी ज्वेलरी बना लेते हैं, आभूषण बना लेते हैं। तो अब जैसे कि डिस्कस करने से ही पता चला, तो सबसे पहले हमारा क्या आया कि सबसे पहले फोर नंबर आएगा कि जो खदान है उस वो उससे स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आया हमारा कि उससे हमें क्या मिले, अयस्क मिले, जो आपका ये थर्ड नंबर है ये मिला। ठीक है, और उसके बाद इससे इसके बाद क्या किया गया, फिर स्टेप आया फाइव, क्योंकि हमने फिर प्रोसेस की और प्रोसेस करने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने उससे सोना बनाया, प्रोसेस करके गोल्ड बनाया। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। फिर लास्ट क्या हो जाएगा आपका, आभूषण, मींस टू से उससे हमने क्या बना ली, ज्वेलरी बना ली। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इनमें से चेक करिए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 4, 3, 5, 1, 2, जो हमारा बी ऑप्शन है ये मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेम हम इसको करेंगे उसी टाइप से, जैसे अब यहाँ पे कुछ बॉडी से रिलेटेड पार्ट्स को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये सिक्स दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पे दिया गया है छाती, मींस टू से चेस्ट, ललाट, मींस टू से हेड, माथा जो होता है ना उसको हम बोलते हैं, पेट, कान, पैर, थोड़ी। ठीक है, तो इनको हमें एक सीक्वेंस में लगाना है। अब सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ललाट आएगा, मींस टू से हमारा क्या होता है, हेड होता है, ये आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ये आ गया। अब उसके बाद क्या आएंगे, फिर आते हैं हमारे कान, अब हेड के बाद आप देख रहे होंगे आपके ईयर ही तो आएंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। और ईयर के बाद फिर हमारा क्या आएगा, फिर थोड़ी, आप देख रहे हो ना चिन, तो हमारा हो जाएगा सिक्स नंबर। और सिक्स के बाद फिर क्या आएगा, चेस्ट आएगा, जो हमारा फर्स्ट है छाती, और उसके बाद फिर आएगा स्टमक, पेट, थ्री, और लास्ट हमारा हो जाएगा फाइव, पैर। तो अब ये आप मैच कर लीजिए, ये सीक्वेंस किस में जा रहा है, ये कहाँ है, सेकेंड, फोर, सिक्स, वन, थ्री, फाइव, ये आपका बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत इजी है, आप सारे वर्ड्स को रीड करें, एक लॉजिक बनाएं कि ये कहाँ से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए आप थर्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए कि इसको कैसे, और आप देख रहे हैं ना सारे ये बीएड के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये देखिए, मैंने ईयर इसमें ईयर को भी मेंशन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो किस चीज की प्रोसेस दी गई है, थोड़ा रीड करिए, पौधा है, बीज है, कपास है, धागा है, कमीज है। तो एक सिंपल सा लॉजिक सेट करते हैं कि एक बीज होगा, बीज से हमारा पेड़ बनेगा। ठीक है, पेड़ बनेगा मींस टू से पौधा बनेगा, पौधे से ही हमें कपास मिलेगी मींस कॉटन मिलेगी, और कॉटन से ही आपको पता है धागा बनाया जाता है, और धागे से ही कमीज बनाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम फोर क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ को।
यहाँ पे जो युग थे इरा, तो वो दिए हुए हैं अणु युग, धातु युग, पाषाण युग, मिश्र धातु युग। तो थोड़ा आपको SST की थोड़ी हिस्ट्री की भी नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ जैसे हम सीक्वेंस को देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा पाषाण युग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमें देखना है कि थ्री किसमें, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो एक ये कह सकते हैं कि एक ना ये ट्रिक होती है कि जैसे हम श्योर हो गए कि ये पहला हमारा थर्ड ही आना है, ठीक है। यहाँ तीन लिख लिया, ठीक है, थर्ड आना है। तो अब आप सीधे चारों ऑप्शन उठा के देखो, पहले नंबर पे थर्ड किस में है? बी में। तो हमें बाकी तो चेक ही नहीं करने, क्योंकि सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ है, ये देखिए आप, यहाँ पे जन्म, मृत्यु, बाल्यावस्था, बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसको हम लॉजिक इसका सेट करते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन है, जैसे सबसे पहले वन दिया हुआ है, तो जन्म। तो अब हम राइट ऑप्शन चेक करते हैं, वन वन, चलो ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक हमारा बी है और सी है, जिसमें वन वन आ रहा है। फिर सेकेंड ऑप्शन, जो सेकेंड होता है, फिर क्या होता है? बचपन होता है। जन्म होने के बाद जो आपका बचपन आता है, शिशु अवस्था जो दिया हुआ है ये, फिर होगा हमारा सेकंड नंबर पे ये। तो यहाँ पे ये फोर लिखा हुआ है। अब उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे क्या आया हुआ है? थर्ड नंबर पे थर्ड आया हुआ मीन्स बाल्यावस्था, ये आप देख रहे हो थर्ड नंबर पे। अब इसके बाद, क्योंकि इन दोनों में ये तीन तीन ऑप्शन तो सेम थे, अब जो अगला स्टेप होगा वही हमारा फाइनल करेगा कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो आप जरा सोचिए कि इसके बाद क्या आएगा इस क्वेश्चन में। बाल्यावस्था के बाद अब हमारे पास बच क्या रहे हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु। तो ऑब्वियस है कि इसके बाद, बाल्यावस्था के बाद क्या आता है? किशोरावस्था आता है, आपकी टीन एज आती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो एक सीक्वेंस भी सेट हो रहा है, आप देख रहे हो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी में बी राइट ऑप्शन हो रहा है। तो अब हम सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। तो आई थिंक अब आप लॉजिक लगा सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा डिस्कस करते हुए डायरेक्ट आपको इसके लॉजिक के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। तो सिक्स जो है, इसका सीक्वेंस क्या होगा? इसमें आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? कच्ची धातु आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगी? प्रोसेस होगी, सेकंड आ जाएगा। तो यहां पर भी देखिए, थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो अंडरस्टूड है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद सेवन को देखते हैं। सेवन में अब सेवन में जैसे आपको दिया गया है वर्ग, ठीक है, स्क्वायर, रेखा, मीन्स टू से लाइन, एंगल, ट्रायंगल, पॉइंट। तो इसमें कैसे आप लॉजिक लगाएंगे? इसमें लॉजिक ऐसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डॉट मीन्स टू से बिंदु, बिंदु के बाद दो बिंदुओं से मिलकर बनती है रेखा, मीन्स टू से फाइव के बाद क्या आएगा? पहला ये हो जाएगा, दूसरा फिर हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइव के बाद टू इसी में है, बाकी में नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम एट में देखते हैं। एट जो क्वेश्चन है, इसमें भी सेम हमारा है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? भ्रूण होगा, उसके बाद क्या होगा? शिशु होगा, फिर बालक होगा, फिर हमारा सॉरी इसका थोड़ा सीक्वेंस मैंने रीड नहीं किया, इसलिए सबसे पहले क्या होगा? भ्रूण होगा, फोर नंबर आएगा, उसके बाद आएगा नवजात शिशु, ठीक है, नवजात, फिर आएगा शिशु, फिर आएगा बालक। तो एट का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर हम नाइन का आंसर देखते हैं। नाइन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे सबसे पहले क्या है? नींव रखी जाती है, नींव रखने के बाद दीवारें बनती हैं, और दीवार बनने के बाद क्या होता है? उसके ऊपर छत आती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। आप इसको सीक्वेंस में लॉजिक क्रिएट करिएगा अपना। अब हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। इसमें क्या होगा? ये ना क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अपना लॉजिक क्रिएट करते हुए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको राइट आंसर बता दे रही हूँ,
जैसे कि 11 का है आपका ए, उसके बाद 12 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका पी, 13 है जो आपका, इसका भी आंसर क्या है आपका, इसको आप अपना लॉजिक लगाइएगा और देखिएगा कि आपका सही जा रहा है, ठीक है। 11 का ए हो गया, 12 का बी हो गया, 13 का भी बी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 14, 14 का कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें आपको लॉजिक अपना क्रिएट करना होगा, 14 का भी बी हो जाएगा। उसके बाद 15 है, 15 का आपका है सी, और 16 है, 16 का भी आपका सी है, आप इसमें अपना लॉजिक क्रिएट करिएगा। 18 है, 18 में आपका क्या राइट आंसर होगा, 18 का बी। 19 है, 19 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 21, 21 का भी आपका क्या आंसर है, 21 का भी आपका है डी। 22, 22 का है आपका सी, 22 का सी है। 23 का आपका बी है राइट आंसर, 23 का बी हो गया। और उसके बाद 24 का भी आपका राइट आंसर क्या है, बी है। इसके बाद 25 है, 25 का जो आपका राइट आंसर होगा, 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ठीक है। अब इसके बाद 26 है, 26 का भी आपका आंसर क्या है, सी। इसके बाद 27 का भी राइट आंसर सी है। और लास्ट आपके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे 27 का क्या था आपका, सी था। 28 का राइट आंसर है ए, 29 का राइट आंसर है आपका बी, और लास्ट आपका जो 30 है, 30 का राइट आंसर है आपका सी, ओके। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से लॉजिक क्रिएट करके सॉल्व करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।